पावर का था सर ये। हेलो एपी पावर आपके पास है, 4,500 की क्वांटिटी है, 9 रुपए 20 पैसे का भाव है। ये है रमेश पारेख जी की पोजीशन। विवेक, अगर हम जेपी पावर के फंडामेंटल्स को किनारे रख दें, अगर सिर्फ शेयर भाव की बात करें तो पिछले 6 महीने बिल्कुल ड्रीम रन की तरह रहे। 7 रुपए वाला शेयर इस वक्त 21 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी कि 3 गुने के आसपास का उछाल है। 9 रुपए की बाइंग है और क्वांटिटी भी ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है। एक बार के लिए मुनाफा समेट के बाहर हो जाए, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसा बिजनेस में चेंज हो रहा है जिसके चलते बने रहना ठीक रहेगा? देखिए, कोई ना कोई इस कंपनी को टेक ओवर करेगा, पहली चीज। और जो आपने एक कंडीशन डाल दिया ना कि अगर फंडामेंटल्स को किनारे रखूं, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स में देखूंगा तो इसको मैं हाथ नहीं लगाऊं, सीधी सी बात है। क्योंकि आज भी कंपनी देखिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और पावर कहाँ कितना बनाती है ये तो बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और करीबन 81% तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो अगर फंडामेंटल देखूं तो मैं तो उसको छू नहीं, लेकिन आपने जो कंडीशन डाली, अगर नहीं देखूं तो डेफिनेटली देखिए, एज टेक्निकल अगर आप देखो तो स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, और बढ़ते हुए स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ और इसमें बने रहो, यही सलाह दे सकता हूं मैं अगर सिर्फ टेक्निकल देखो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाइए अपने कंफर्ट के हिसाब से, स्टॉप लॉस को ऊपर करते रहिए और शेयर में बने रहिए। जब लगता है कि ट्रेंड अब रिवर्स हो रहा है, वहां पर आप विचार कीजिएगा, फिर से समीक्षा कीजिएगा जेपी पावर को लेकर।